दिल्ली में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए मोहल्ला बसें ही राष्ट्रीय राजधानी के सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। वहीं मोहल्ला बसों का ट्रायल रन सोमवार यानी 15 जुलाई से शुरू हो गया है। वहीं दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इन बसों को हरी झंडी दिखाई। वहीं महिलाओं को इस बसों पर सफर करने के लिए कोई किराया नहीं लिया जाएगा, वो फ्री में यात्रा कर सकेंगी। बता दें कि इन बसों में सफर करने के लिए किराए को लेकर जल्द फैसला लिया जाएगा। वहीं दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्रायल रन को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि पहला ट्रायल रूट मजलिस पार्क से बुराड़ी तक है, ये लगभग 10 किलोमीटर का रूट है। दूसरे रूट अक्षरधाम से लेकर मयूर विहार फेज 3 तक के हैं। इनमें से दो मेट्रो स्टेशन को कनेक्ट कर रही हैं। ये भी करीब 10 किलोमीटर का ही रूट है। ये दोनों रूट काफी यूनिक है। जिस प्रकार से हमारा 12 मीटर की बसें हैं, उस प्रकार से लंबे रूट्स नहीं होंगे। दीज विल बी शॉर्ट रूट्स, मे बी आई थिंक अप टू 10 किलोमीटर्स, हो सकता है कहीं 11 भी करना पड़े, हो सकता है कहीं 8 भी हो। जो मेन पैरामीटर्स हैं रूट डिसाइड करने के और रूट फाइनल करने के, वो 3-4 रहेंगे। वन इज कौन कौन से एरियाज जो हैं वो 12 मीटर बसों से सर्व नहीं हो रहे, मतलब कि फिलहाल हमारी DTC या DIMS की बसें कहाँ कहाँ नहीं जा पा रही। सेकंड, उस एरिया में, उस लोकेलिटी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट बस टर्मिनल हैं, कौन से इंपॉर्टेंट बस स्टॉप्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट मेट्रो स्टेशन हैं, कौन से इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, कोई इंपॉर्टेंट कोई बिजनेस सेंटर है, ताकि हम उन एरियाज को कनेक्ट कर पाए। आई एम अगेन रिपीटिंग, मोहल्ला बस जो है वो हो सकता है आपको फाइनल डेस्टिनेशन पे ना लेके जाए। सो द होल आइडिया ऑफ मोहल्ला बस, जो हम कम्युनिटी बस जो कह रहे हैं, इट इज टू कनेक्ट द पैसेंजर उसके घर या उसके जो भी ओरिजिन है, और हम उसको ऐसी जगह लेके चले जाएं जहां से उसको फर्दर कनेक्टिविटी मिले, फर्दर जो इंपॉर्टेंट बड़े रूट्स हैं वहां से उसको हम कनेक्ट कर सकें, कोई इंपॉर्टेंट मेट्रो स्टेशन उससे हम कनेक्ट कर सकें, ताकि इवेंचुअली फिर वो अपने डेस्टिनेशन पे जा सके। जो ट्रायल रूट हम रन कर रहे हैं, तो पहला रूट जो है वो मजलिस पार्क टू प्रधान एंकले, प्रधान एंकले मतलब बुराड़ी के साथ से जो एक अंदर रोड जा रही है। अब इस रोड पे आज से पहले कोई बस जो है वो नहीं चली है, तो ये बिल्कुल अनसर्व एरिया है अगर आप मैप पे देखेंगे। अब आपको बताते हैं मोहल्ला बस की खासियत के बारे में। दरअसल मोहल्ला बस 9 मीटर की बस है और इसमें 23 पैसेंजर और ड्राइवर की कैपेसिटी है। बता दें कि करीब 13 पैसेंजर इनमें खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं। इन्हें दिल्ली के भीतर छोटे मार्गों के लिए डिजाइन किया गया है। छोटी बस है तो सिंगल चार्ज में करीब 120 किलोमीटर दूरी तय कर सकते हैं। देखिए दिल्ली से शुभ संवाददाता शुभ सेठ की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा मोहल्ला बसों की शुरुआत की गई है। इस वक्त मेरे पीछे आपको एक ईवी बस दिख रही होगी। आपको बता दें जो ये ईवी बस है, ये दिल्ली सरकार द्वारा आज ही इसकी शुरुआत की गई है। हालांकि ये अभी सिर्फ ट्रायल बेसिस पे ही शुरुआत की गई है। अगर इस बस की कैपेसिटी की बात करेंगे तो 23 सीटें हैं इसमें, जो कि 80% जो है सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है। हालांकि इस बस के अंदर जाके हम आपको दिखाएंगे ये जो दिल्ली सरकार द्वारा जो बस लाई गई है इलेक्ट्रिक, इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं। जैसा कि अगर हम बात करेंगे तो हमारे लेफ्ट साइड में यहाँ पे जो पिंक कलर की आपको सीट दिख रही होंगी, इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये पूरी बस जो है ये AC रहने वाली है, एयर कंडीशन रहने वाली है। इसके साथ ही यहाँ पे महिलाओं के सुरक्षा के लिए यहाँ पे इमरजेंसी भी बटन लगाई गई है, और हर एक पिलर पे यहाँ पे स्टॉप बटन भी लगाया गया है, ताकि किसी भी अगर यात्री को उतरना हो तो वो इन बस के अंदर जो बटन लगाएंगे उनको दबा के क्लिक करके वो उतर सकता है। इसके साथ अगर बात करेंगे इस बस की लंबाई की, तो ये बस सिर्फ 9 मीटर की ही लंबाई है। अब दूसरी तरफ अगर मैं सही को गाइस करूँगा कि दिखाए जो बस नॉर्मली DTC बसें खड़ी हैं उनकी लंबाई जो है इनसी होती है। और बात करेंगे तो इन बसों के रूट की, तो इन बसों के सिर्फ 2 ही रूट्स पे अभी जो इनकी बात की गई है। एक जो पहला है अक्षरधाम से मयूर विहार फेज 3 तक, और दो बात की गई है वो बुराड़ी तक ही शुरुआत की गई है। हालांकि ये बसें की सिर्फ 2 ही जो अभी ट्रायल बेसिस पे उतारा गया है। देखना ये रहेगा कि कितनी कामयाब ये जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो महिला मोहल्ला बसें हैं कितनी होती हैं। MK न्यूज़ के लिए दिल्ली से शुभ से।